दोस्तों, अगर आप 3 से 4 महीने में YouTube में करियर बनाना चाहते हो तो आज ये वीडियो आपके लिए है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज किस टॉपिक में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये बात बताना बहुत ही जरूरी है, YouTube का कुछ तौर तरीका होता है जिसको आपको समझना होगा। जैसे कि टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में सब कोई जानता है। जैसे कि ये भी जानते हैं कुछ लोग कि वीडियो को अट्रैक्टिव बनाना है और थंबनेल को भी अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि थंबनेल देखकर लोग क्लिक करें और वीडियो एक बार देख ले तो पूरा वॉच करें, ठीक है ना। ये सब करना है, लेकिन आज जो बात हम आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा आप करते हो, फॉलो करते हो, तो आप मान के चलिए 3 से 4 महीने में आप अपना चैनल के बूस्ट कर सकते हो, अपना चैनल काफ़ी हाई रैंक में ले जा सकते हो, वो भी 3 से 4 महीने में। तो आपका कैटेगरी जो भी है, आपको एक बात सोचना होगा कि भाई मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो को एक टाइम सेट करूंगा। देखिए, टाइम बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है यूट्यूब सब्सक्राइबर और व्यूज लाने के लिए, ठीक है ना। और आपका चैनल बूस्ट करने के लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा फैक्ट होता है। 70% लोग ये नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, जो यहाँ पर YouTube में काम करने आता है, अगर आप रियली आप यहाँ पर काम करने आए हो तो आपको ये मेंटेन्स करना होगा, ठीक है ना। जैसे आप मेहनत करके वीडियो बनाते हो, जैसे आप मेहनत करके थंबनेल क्रिएट करते हो, एडिटिंग करते हो और भी कई कुछ करते हो, सब कुछ करने के बाद एक वीडियो रेडी हो जाता है, उसको अपलोड कर देते हो, लेकिन आप ये टाइम जो है ये टाइम सेट नहीं करते हो। तो देखिए, इससे क्या होता है, टाइम सेट करने से क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। देखिए, टीवी आप देखते होंगे, सीरियल वगैरह या फिर खबर या फिर कुछ भी आप देखते होंगे, कोई भी मूवी, ठीक है ना। तो उसका एक टाइम होता है कि आज 4 बजे से ये सीरियल हर दिन आपको मिलेगा, हर दिन आपको 4 बजे से वो सीरियल मिल ही जाएगा। तो आप क्या करोगे, कुछ भी आप सारा दिन में कुछ भी काम कर लो, लेकिन 4 बजे आप टीवी ओपन करके बैठ जाओगे, क्योंकि हमें वो सीरियल देखना है। तो ठीक उसी तरह से आपको YouTube में भी मेहनत करना होगा, उसी टाइप से आपको एक टाइम फिक्स करना होगा। आपका जितना भी सब्सक्राइबर आता है, जितना भी लोग देखता है आपका वीडियो को, और उसको अगर पता होता है कि भाई ये चैनल जो है, इस चैनल में ठीक 8 बजे वीडियो आ जाता है। मान लीजिए आप 8 बजे टाइम फिक्स किए हो कि हर 8 बजे, हर सुबह 8 बजे बात कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे वीडियो आ जाएगा। कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको 8 बजे वीडियो देना ही पड़ेगा। आप 8 बजे कर सकते हो, 4 बजे कर सकते हो, आपका ये मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल थ्रू बोल रहा हूँ, 8 बजे अगर करते हो तो आपका व्यूअर्स को ये पता होगा कि भाई वो चैनल में आज नहीं, रोज 8 बजे वीडियो आता है। तो उसका माइंड में वो सेट हो जाएगा कि 8 बजे वहाँ पर वीडियो आता है उस चैनल पे, ठीक है, टेक्निकल विजय 2M पे 8 बजे वीडियो आता है, तो हमें उसको देखना है। ये जितना भी आपका व्यूअर होगा, जितना भी आपका सब्सक्राइबर होगा, वो सेट हो जाएगा उसका दिमाग पर। तो इससे क्या होगा, वो कोई भी काम करे या भी कोई भी कुछ करे, लेकिन वो 8 बजे एक बार ना एक बार आएगा, अगर आपका वीडियो पसंद करता है तो। पसंद नहीं करता है उसका बात दूसरा है दोस्तों, लेकिन अगर पसंद करता है तो आपका चैनल में आएगा वो, और 8 बजे वो वीडियो वॉच करेगा। इससे क्या होगा, आपका जितना भी सब्सक्राइबर आगे चल के जितना भी सब्सक्राइबर आपको बढ़ेगा, तो सबको पता होगा। मान लीजिए आपका 10,000 या फिर 1,00,000 सब्सक्राइब हो गया है, 1,00,000 सब्सक्राइब होने के बाद उसको सबको 1,00,000 लोगों को पता होगा कि 8 बजे इस चैनल में वीडियो आता है। तो एक ही संग 8 बजे अगर आपका वीडियो देखा जाता है, तो आपका वीडियो वायरल भी हो सकता है। आपको पता है या फिर नहीं है, जान लो कि वीडियो कब वायरल होता है। वीडियो तभी वायरल होगा जब एक ही टाइम पे बहुत ही सारा लोग आपका वीडियो को वॉच करेगा, और ऑडियंस रिटेंशन जो है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। इससे क्या होगा, YouTube क्या करेगा, आपका वीडियो का जो रिकमेंड होता है, वो रिकमेंड को हाई कर देगा। आपको मान लीजिए 10 आदमी ने देखा, तो YouTube क्या करेगा, 20 आदमी को शेयर कर देगा, मतलब रिकमेंड करेगा, 20 आदमी को आपका थंबनेल को दिखाएगा। मतलब आपको वीडियो तो नहीं दिखाएगा, थंबनेल को आपको दिखाएगा। अगर 20 में से 18 क्लिक करता है तो और भी ज़्यादा रैंक हो जाता है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से आगे चल के आपका सब्सक्राइबर जब बढ़ जाता है, तो हर 8 बजे आ जाता है आपका वीडियो देखने, तो एक ही समय पर पूरा जितना भी सब्सक्राइबर सब देखता है। तो इससे क्या होता है, 99% चांस रहता है आपका वीडियो वायरल होने पे। मैं खुद टाइम मेंटेन्स नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक कुछ काम है, इसी वजह से टाइम सेट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आपका अगर कोई काम नहीं है, आप एक स्टूडेंट हो, तो आप ये कर सकते हो। आपको कहीं भी मेहनत करते हो, कहीं भी जाते हो काम पे, तो आपको एक चीज़ करना ही होगा। देखिए, कोई भी नौकरी मिलेगा आपको, तो 10 बजे आपको जाना ही होगा और 4 बजे छुट्टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो
तो सब कुछ एक टाइम मेंटेन्स होता है, तो इससे क्या होगा, सबको पता होगा कि ये टाइम इसके लिए है और ये टाइम इसके लिए है। तो टाइम जब सेट हो जाएगा तो उसका दिमाग में भी ये सेट हो जाएगा कि उस चैनल में इस टाइम में एक वीडियो आते हैं, तो वो चल जाएगा देखने के लिए। तो इससे आपका वीडियो वायरल होने का चांस होगा। और आप अगर अच्छे वीडियो बनाते हो तो आपका मतलब वो जहाँ भी कुछ करते हैं, जहाँ भी वीडियो देखते हैं, तो उसका एक बार ना एक बार याद आएगा कि हाँ भाई आज उसका वीडियो नहीं देखा, 8 बजे तो आ गया होगा, चलो भाई एक बार देख लेते हैं उसका वीडियो। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप अगर टाइम मेंटेन्स कर पाते हो तो आप अभी भी यूट्यूब में जितना भी कॉम्पिटिशन है, अभी इस कॉम्पिटिशन के बाजार में भी आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो, आगे चल सकते हो। 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हूँ, अगर आप टाइम मेंटेन्स करते हो तो उस दिन से आप देख लेना कि किस तरह से आपका चैनल बूस्ट होता है, किस तरह से आपका चैनल ग्रोथ पकड़ता है। तो आगे चल के हमारे वीडियो में आके आपको कमेंट करना होगा कि हाँ भाई आपका वीडियो देख कर मेरा वीडियो, मेरा जो चैनल है वो रैंक किया है। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो से काफ़ी सारा आपको नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।